हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड फ्रेंड्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि सावन के सोमवार चल रहे हैं तो फ्रेंड्स आज मैं एक मंदिर जा रही हूँ जो कि अलीगढ़ का सबसे विशाल सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है खेरेश्वर मंदिर, और मैं आपको ले चलती हूँ, आपको दर्शन कराऊँगी। मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी भीड़ रहती है आज के दिन, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे कितना अच्छा लगता है मंदिर में जाके, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी। तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग लास्ट तक देखना और प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में और लास्ट तक प्लीज़ देखिएगा। तो चलो मैं रेडी तो हो चुकी हूँ और चलो निकलते हैं। सिस्टर पता नहीं क्या कर रही है, उसे देखते हैं कि वो रेडी हुई है नहीं, तो चलो चलते हैं फिर। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, तो चलो चलते। तो फ्रेंड्स हम ऑटो में बैठ चुके थे एंड बहुत काफ़ी देर बाद हम पहुंच चुके थे खेरेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ पर पुलिस भी रहती है। फ्रेंड्स अंदर पहुंचते ही देखा कि इतनी सारी भीड़, फ्रेंड्स बहुत सारी भीड़ रहती है यहाँ पे, मंडे वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने प्रसाद लिया चढ़ाने के लिए। प्रसाद लेने के बाद हम भी लग गए इसी भीड़ में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए आगे ऊपर की तरफ जा रहे थे हम भी। फ्रेंड्स देखा कि इतनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, हर तरीके की शॉप्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। इधर उधर मैं देख रही थी कि कितनी सारी शॉप्स हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। आपको यहाँ पे लोटे भी मिल जाएंगे, पानी से भरे हुए लोटे एंड धतूरा सब कुछ मिल जाएंगे, बेल पत्थर के पत्ते सब कुछ मिल जाएंगे, आप यहाँ पे सब कुछ ले सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स भक्तों की कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे। बरूले की शॉप मिल जाएगी, देखिए फ्रेंड्स लोटे देखिए आप, ये सब लोटे मिलते हैं यहाँ पे, आप आसानी से आकर यहाँ पे लोटा ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं और आसानी से यहाँ दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स कितनी भीड़ थी देखिए फ्रेंड्स, आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए शॉप देखिए, खिलौने की शॉप है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ऊपर बढ़ते जा रहे थे, देखिए फ्रेंड्स एक और लोटे की शॉप आ गई, देखिए धतूरा फूल मालाएं, देखिए फ्रेंड्स कितनी भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पे, कितनी भीड़ रहती है। काफ़ी अच्छा मंदिर है फ्रेंड्स, आप यहाँ आइए दर्शन कीजिए भगवान जी के, बहुत सुकून मिलता है फ्रेंड्स यहाँ आके, आपके हर सुख दुख सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। फ्रेंड्स आप आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैंने भी दर्शन किए। अंदर जाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी कितनी भीड़ है। अब जाते हैं अंदर की तरफ, देखिए फ्रेंड्स लाइनों में कितनी भीड़ लगी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम भी इसी लाइन का हिस्सा थे, हम भी लगे हुए थे। दर्शन करने के बाद फ्रेंड्स अब हम आते हैं कि ऐसी शॉप्स पर, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। आप देखिए क्लेचर्स बिंदी एंड ईयरिंग्स सब कुछ थे यहाँ पर, काफ़ी लेडीज़ें ले भी रही थी, मैंने भी एक लॉकेट ले लिया भगवान जी का, देखो गुड़िया है, खिलौने बच्चों के सब कुछ है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स मालाएं लॉकेट सब कुछ है, आप ले सकते हैं यहाँ से। हम भी जा रहे थे अब घर की तरफ, हमने दर्शन कर लिए थे एंड देखिए यहाँ पे देखिए खाने की शॉप है, आप कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे, बरूले की शॉप, आइसक्रीम की शॉप, टिक्के की शॉप, गोलगप्पे, काफ़ी भीड़ रहती है, आप खुद देख लीजिएगा फ्रेंड कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे।
जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे टैटू की शॉप है महादेव के टैटू करवाने के लिए। मैंने देखा काफ़ी लोग अपने हाथों पर टैटू करा रहे थे फ्रेंड्स। महादेव दर्शन करने के बाद फिर हम घर के लिए निकल जाते हैं।